इंडिया में एक वेव आई थी सॉफ्टवेयर्स की एंड उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज बनी हुई हैं TCS पे, प्रो, इन्फोसिस, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एंड उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, स्टार्टअप्स एंड बहुत 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 सारी चीज़ें एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने लगी इंडिया में। सॉफ्टवेयर की स्पेस में हम इंडियंस ने एक के बाद एक माइलस्टोन्स को हिट किया एंड आगे भी भाई ऐसे ही करते जाएंगे। आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि क्या जो वेब डेवलपमेंट है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो डाउन ट्रेड की तरफ तो नहीं जा रही है। अब सच सच बताऊँ मैं तो एक चीज़ ये है कि अगर तुम स्किल्ड नहीं हो, अगर तुम्हें चीज़ें नहीं आती है, तुम एक बहुत नॉर्मल एवरेज डेवलपर हो जिसको HTML, CSS, JavaScript, React ये सारी चीज़ें आती हैं, तो देखो भाई तुम्हारे लिए जॉब मिलना थोड़ा टफ है एंड दैट इज़ रियली वेरी ट्रू। मैं तुम्हें बीच में ना एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा वीडियो के जहां मैंने वो खुद क्रिएट किया आज बैठ के फ्रॉम एंड टू एंड एक लाइन ऑफ कोड ने लिखा एंड इतनी बढ़िया प्यारी वेबसाइट बनाई है। जो एरर्स आ रहे थे वो मैं थोड़ा दिमाग लगा के AI ChatGPT यूज़ करके सॉल्व कर रहा था, बट दिस शोज दैट जो बेसिक डेवलपर है जो 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख की नौकरी पहले ले रहा था भाई, उसकी जॉब शायद चली जाएगी या फिर उसकी जॉब आगे जाके ऑटोमेट होती जाएगी। तो अपने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड AI को एक्चुअली यूज़ करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इस वाली वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और अपनी साइड से बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड करता रहूँगा जैसे जैसे बता रहा हूँ, तो ध्यान से पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना। अब इस पूरी वीडियो का एक ही मोटिव है कि तुम एक एवरेज डेवलपर से एक थोड़ा हाई एंड डेवलपर बन जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख जाओ। बट हाई एंड डेवलपर बनने से, अच्छा डेवलपर बनने से, ज़्यादा हाई पेइंग रोल्स लेने से, उससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बेसिक सीखने पड़ेंगे। अब तुम्हें HTML, CSS, JavaScript, React ये चीज़ें नहीं आएंगी तो तुम आगे वाली चीज़ें अच्छे से समझ नहीं पाओगे, तुम JavaScript नहीं सीखोगे तो TypeScript नहीं कर पाओगे, तुम्हें पता ही नहीं होगा Git क्या होता है, GitHub कैसे यूज़ करते हैं तो तुम और चीज़ें कैसे करोगे, तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं सीखोगे तो अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिख के एक वेबसाइट, वेब पेज या फिर एक पूरा प्रोडक्ट कैसे बना पाओगे। तो बेसिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो DSA हो, चाहे वो OS हो, DMMS हो, OOPS हो, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो या फिर तुम्हारा HTML, CSS, JavaScript हो, थोड़ा बहुत बेसिक बैकएंड हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। पहले 5-10 साल पहले जो कंपटीशन हुआ करता था कि तुम्हें अगर बेसिक रिएक्ट भी आता है तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, वहाँ पे काम नहीं चलता है भाई। अगर तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए, 8-10-15-20 लाख की नौकरी चाहिए स्टार्टिंग या 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद, तो चीज़ें करनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, देर इज़ नो वे आउट ऑफ दिस। सो मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा मुद्दे पे आते हैं, तुम्हारे साथ रोड मैप शेयर करने वाला हूँ फ्रॉम अ 0% जिसको बिल्कुल कोडिंग नहीं आती है, अगर तुम्हें एक वेब डेवलपर बनना है 2025 तो क्या चीज़ें, क्या स्किल्स तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। साथ साथ रियल वर्ल्ड मैंने एक रेज्यूमे एनालिसिस वाला प्रोजेक्ट बनाया, आज सुबह शुरू किया था, अभी ख़त्म किया, एंड टू एंड मैंने कैसे ChatGPT का यूज़ किया, कैसे और चीज़ें यूज़ करी वो भी तुम्हें साथ साथ बताता रहूँगा, तो एंड तक ज़रूर वेट करना नहीं तो चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई ये सारी चीज़ें जो तुम्हें सीखनी है, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट में, क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तुम्हें HTML सीखना पड़ेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरी होती है CSS, तुम्हारी कास्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड फाइनली होती है हमारी JavaScript, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। HTML हमारा स्केलेटन होता है, CSS हमारे उसके ऊपर मसल होती है एंड फाइनली जो JavaScript हमारा ब्रेन होता है कैसे हम चीज़ों को मूव कर सकते हैं। सबसे बेसिक, सबसे सिंपल ये तुम्हें आना ही चाहिए, अगर ये नहीं आता है तो आगे तुम नहीं बढ़ पाओगे, तो सबसे पहले जाके ये सीखो। कुछ भी आगे बोलने से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ अनाउंसमेंट, कुछ भी तुम समझ सकते हो, हमने बीच में AlgoPrep X लॉन्च किया था, पहले हम अलग अलग कोर्सेज कर रहे होते थे, DSA अलग, डेवलपमेंट अलग, LLD अलग, बट वी रियलाइज्ड कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन 2025 या आगे जाके, तो तुम्हें सारी चीज़ें आनी चाहिए टू गेट अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल एट द स्टार्ट। स्टार्टिंग में 8-15-20 लाख की अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी एक साथ, चाहे वो तुम्हारे डेवलपमेंट हो, चाहे वो तुम्हारा DSA हो, चाहे वो तुम्हारा OS, DBMS, OOPS हो, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो, इसके साथ साथ बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो एंड साथ साथ LLD हो, सारी चीज़ें तुम्हें एक ही जगह पर मिल जाती हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं, जहाँ जाके तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट में जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मोस्टली वहाँ पे पढ़ा रखी हैं, बेसिक DevOps वगैरह भी सिखा रखा है वहाँ पे, तो भाई गो एंड डेफिनेटली एनरोल, जो स्पेशल कूपन कोड मैक्सिमम डिस्काउंट सब डिस्क्रिप्शन में होगा, जाओ एनरोल कर लो। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आ जाती है यार, वो आ जाता है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल एग्जैक्टली क्या होता है, जब मल्टीपल डेवलपर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बंदे को बोला कि टू डू लिस्ट में तुम डिलीट फंक्शनैलिटी ऐड कर दो, दूसरे बंदे को बोला मैंने तुम ऐड फंक्शनैलिटी ऐड कर दो, अब दोनों ने अपनी अपनी चीज़ कर दी, बट जब वो दोनों कोड एक साथ मर्ज करेंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि उसने कुछ और लिखा हो, किसी ने कुछ और लिखा हो, तो इस सब को मैनेज करने के लिए हम वर्जन कंट्रोल गिट गिटहब यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो सिंपल, इसमें बहुत सारी बेसिक बेसिक कमांड्स होते हैं। अगर तुम्हें एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसमें मैं तुम्हें बेसिक से सिखा रहा हूँ गिटहब क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, तो कमेंट कर देना गिटहब, वी कैन डेफिनेटली मेक दैट फॉर यू। अब एक और प्रो टिप है, दोनों चीज़ें तुम जब कर लो तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है भाई, अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ HTML CSS JavaScript यूज़ करके, उसके गिटहब पे जाकर तुम होस्ट कर सकते हो। गिटहब पेजेस करके एक चीज़ होती है, वो तुम अगर यूज़ करोगे तो तुम वहीं पे होस्ट भी कर सकते हो, उसको तुम्हें पैसे वैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। डेफिनेटली ट्राई करना, एंड साथ में थोड़ा बहुत AI वगैरह इंटीग्रेट करके देख सकते हो ChatGPT की API। थोड़ा एडवांस टॉपिक्स हैं, चलो आगे बात करते हैं। अब गिट के कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो तुम्हें आनी चाहिए, वो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रही होंगी, ये डेफिनेटली सीख लेना, काफ़ी तुम्हें काम आने वाली है। और एक और तुम्हारे लिए प्रो टिप है भाई, जब भी अपने गिटहब में प्रोजेक्ट्स वगैरह अपलोड करो तो उसमें readme.md जो फाइल होती है उसको अच्छे से लिख दिया करो, उसमें लिंक्स वगैरह ऐड कर दिया करो। अगर तुम एक डिटेल्ड वीडियो बना सकते हो जिसमें तुमने दिखाया कि कैसे प्रोजेक्ट को यूज़ किया जा सकता है, वो कर दिया करो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैंने बीच में हायरिंग करी थी तैयारी के लिए, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, मैंने 5-6 हज़ार रेज्यूमे स्क्रीन किए रहे थे, एंड भाई सबसे बड़ी मिस्टेक यही करी हुई थी लोगों ने कि गिटहब पे सीधा बस कोड को बैक एंड फ्रंट एंड दो फोल्डर में डाल के छोड़ दिया था। मेरे को पता ही नहीं क्या करना है, मैं तुम्हारा जाके वहाँ पे कोड थोड़ी सेटअप करने वाला हूँ, कोई रिक्रूटर नहीं करेगा, कोई तुम्हारा इंजीनियरिंग मैनेजर नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, किसके पास टाइम है। तो भाई अच्छे से लिखो उसे, अगर डिप्लॉय कर सकते हो डिप्लॉय करो, एंड ये सारी चीज़ें सीखो। नेक्स्ट हमारा आता है तुम्हें लर्न रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अब टूल्स क्या तुम्हें सीखने हैं, सबसे पहले तुम्हें मीडिया क्वेरीज इन CSS सीखनी है, दूसरा फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप थोड़ा पुराना हो गया है और बहुत सारे आ गए हैं, टेलमेंट तुम यूज़ कर सकते हो, जब Next.js यूज़ करोगे, Next.js सीखोगे, टेलमेंट CSS तुम यूज़ कर सकते हो, शार्ट सी एंड UI तुम यूज़ कर सकते हो, एंड इसके साथ साथ तुम्हें और क्या चीज़ें सीखनी है, फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड सिस्टम सीखना है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है चाहे तुम कोई भी फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ करो तब भी, तो जाके ये सारे टूल्स तुम्हें सीख लेने हैं। अब एक और फ्री रिसोर्स तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें जाके फ्री कोड कैंप का रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन वाला कोर्स तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, वेबसाइट पे और इनके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से तुम बेसिक्स ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, अगर तुम्हें सीखनी है तो कौन सी तुम सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा जो यूज़ होती हैं React.js, Vue.js और Angular.js। रिसोर्सेज वगैरह तुम React की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको यूज़ कर सकते हो, वैसे Vue की डॉक्यूमेंटेशन, Angular की डॉक्यूमेंटेशन, एंड इसके साथ साथ बहुत सारे YouTube चैनल्स वगैरह भी, मैं एंड में इसमें भी लिंक कर दूंगा, तुम जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, बट वन ऑफ देम इज़ फ्री कोड कैंप। तुम्हारा मॉश करके एक बंदा है जो बहुत बस वीडियोज़ बनाता है। अब अगर तुम्हें हिंदी में सीखना है तो हितेश चौधरी, उनका चाय विद कोड है, वहाँ से तुम देख सकते हो। और तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीखना है तो नमस्ते जावास्क्रिप्ट तुम सीख सकते हो, नमस्ते जावास्क्रिप्ट से तुम सीख सकते हो। और इसके साथ साथ अपने लव भैया ने भी पूरा एक फ्रंट एंड का बैक एंड का पूरा कोर्स बना दिया वेब डेवलपमेंट का यूट्यूब पे फ्री, उसको तुम जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारे रिसोर्सेज को तुम यूज़ कर सकते हो टू लर्न दीज टेक्नोलॉजीज, अगर तुम्हें फ्री में करना है, एंड पैसे देने हैं तो एल्गो प्रेप पे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। हमने दो मास्टर क्लास डाली हुई है HTML एंड जावास्क्रिप्ट की, और तुम डेफिनेटली जाके एल्गो प्रेप की यूट्यूब चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हो। अब React.js से बेटर चीज़ आ गई भाई, Next.js तुम यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें बेटर होती हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस में काफ़ी बढ़िया है तुम्हारा, इसके साथ साथ काफ़ी सारे तुम्हें बिल्ट इन फीचर्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक राउटिंग हो जाती है, तुम्हारा SEO काफ़ी बेटर हो जाता है, इसके साथ साथ इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, तुम्हारा बिल्ट इन CSS है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई Next.js पे अपग्रेड कर जाना, React तो तुम्हें करना ही है, Vue और तुम्हारा इसके बाद जो Angular है वो इतना ज़्यादा कंपेटिवली कम यूज़ होता है, पुराने अगर प्रोडक्ट्स उस पर बने हुए हैं तो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। करंटली मार्केट में Next.js ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कंपनीज यूज़ कर रहे हैं, कोई नए प्रोडक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं तो Next.js पे ही बिल्ड हो रहे हैं, तो उसको जाके डेफिनेटली सीखो। अब नेक्स्ट आता है हमें बैकएंड सीखना पड़ेगा। बैकएंड में दो चीज़ें होती हैं, एक तो तुम्हें बैकएंड जो सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी करेगा वो, उसके लिए तुम्हें कुछ फ्रेमवर्क्स, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरीज, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ होती है डेटाबेस। अब तुमने बहुत सारा डेटा इकट्ठा करा, उसको स्टोर करना पड़ेगा, उसको रिट्रीव करना पड़ेगा, उसको डिलीट करना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा, बेसिकली क्रड। तो जितनी भी तुम एप्लीकेशंस देखोगे मोस्टली क्रड एप्लीकेशंस ही होती है। तुम कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो तो, कोई चीज़ अपडेट कर रहे हो तो, कोई चीज़ डिलीट कर रहे होते हो, या फिर कोई चीज़ तुम रीड कर रहे होते हो, तो मोस्टली क्रड एप्लीकेशंस ही होती है। तो ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। तुम बैकएंड कर रहे हो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट में ही करना है तो तुम Node.js सीख सकते हो, और अगर तुम्हें पाइथन वगैरह में करना है तो काफ़ी सारी कंपनीज में पाइथन भी यूज़ होता है, गो भी एक लैंग्वेज है जिसको तुम सीख सकते हो, बट मोस्टली तुम्हारा पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट में ही कर रहे होते हैं। तो इधर तुम एक पूरा मर्न स्टैक सीख सकते हो, उसमें तुम्हारा Node.js आ जाता है, एंड एम का मतलब MongoDB होता है। MongoDB तुम्हारा NoSQL डेटाबेस होता है, डेटाबेसिस के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। या तो तुम पाइथन में बैकएंड लिख सकते हो, तुम्हारे पास फ्लास्क एंड जांगो दो फ्रेमवर्क्स होते हैं, या फिर तुम Node.js में लिख सकते हो, ये तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है डेटाबेसिस। अब डेटा स्टोर करना है, जो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई थी उसके लिए दो तरीके होते हैं, हमारे पास दो तरीके के डेटाबेसिस होते हैं, तुम्हारा एक NoSQL होता है, एक SQL होता है। NoSQL डेटाबेसिस
थोड़े मॉडर्न तुम बोल सकते हो, ठीक है। एसक्यूएल डेटाबेस में जब तुम्हें ज़्यादा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, रिलेशंस बहुत सारे चाहिए होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं चीज़ें, एंड तुम्हारा जो डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में तुम्हें मिल रहा है, फिर तुम स्टोर करना चाहते हो, तुम एसक्यूएल यूज़ कर रहे होते हो, इसके भी बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस आते हैं। नोएसक्यूएल डेटाबेस में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है तुम्हारा मोंगोडीबी यूज़ होता है, एंड अब तो बहुत सारे डेटाबेस आ गए हैं। नई नई जो कंपनीज बन रही होती है ना, वो किसी एक डेटाबेस में जो पहले से बना हुआ है उसमें कोई एक फंक्शनैलिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब फॉर मोंगोडीबी एक डेटाबेस है, अगर तुम्हें सिर्फ फाइनेंशियल फर्म्स के लिए डेटाबेस बनाना है, उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी ऐड करनी है, तो तुम इसके ऊपर सिक्योरिटी वगैरह ऐड कर सकते हो, एंड यू कैन इंप्रूव योर करंट मोंगोडीबी का स्ट्रक्चर। अब जो भी मेरा रोड मैप है उसमें सारे लिंक्स वगैरह मैं अपडेट कर दूंगा, उसमें और सारी चीज़ें भी ऐड कर दूंगा, तो जाके तुम वहाँ पे सारे लिंक्स, रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज सब एक्सेस कर पाओगे। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। अब भाई जब तुमने बैकएंड सीख लिया, नेक्स्ट चीज जो काफी इंपॉर्टेंट आजकल हो गई है वो है तुम्हारा डेवॉप्स एंड होस्टिंग। जब भी तुम प्रोजेक्ट बनाओ तो ट्राई टू होस्ट इट, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तुम गिटहब पेजेस पे होस्ट कर सकते हो, नेटलिफाई पे होस्ट कर सकते हो, वर्सल पे होस्ट कर सकते हो, हॉस्टिंजर पे होस्ट कर सकते हो, बहुत सारे होस्टिंग ऑप्शन है तुम्हारे पास, काफी तुम्हें फ्री भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले होस्टिंग सीखनी है, बेसिक डेवॉप्स सीखना है, सीआईसीडी पाइपलाइंस क्या होती हैं, ठीक है। सीआईसीडी तुम्हारा बेसिकली कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट होता है, तो वो तुम्हें कैसे करना है, क्या चीज़ें होती हैं वो सारी सीखनी चाहिए। बहुत सारे तुम्हारे डेवॉप्स की सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं जो तुम्हें यूज़ करने हैं, तो वो सारे तुम्हें सीखने पड़ेंगे। नेक्स्ट एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तुम्हारा क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है। बेसिक तुम्हें क्लाउड भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत AWS क्या होता है तुम्हारा, कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे उस पर चीज़ें डिप्लॉय होती हैं, अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं, लैम्डा फंक्शन क्या होता है, S3 क्या है, मतलब बेसिक्स तुम्हें आने चाहिए, ताकि जब तुम अपना कुछ प्रोडक्ट भी बनाओ तो तुम्हें पता हो कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तुम सीख सकते हो, फेमिलियर होना चाहिए, रटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम क्लाउड रोल के लिए नहीं जा रहे हो, बट तुम्हें एक आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए, कि क्योंकि तुम अपना प्रोडक्ट डिप्लॉय करोगे, तुम उसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करोगे, तो यू शुड नो ऑल दिस। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, AI को यूज़ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एजेंट्स क्या होते हैं AI में, एजेंटिक एजेंट्स कैसे बनाते हैं, बहुत बेसिक होता है। क्रियू AI करके एक लाइब्रेरी कह लो, ठीक है, फ्रेमवर्क कह लो, उसको तुम यूज़ कर सकते हो, उससे तुम एजेंट्स बना सकते हो। एजेंट्स कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं, एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, तुम डिप्लॉय कैसे कर सकते हो, बेसिक चीज़ आनी चाहिए। अब साथ साथ मैं तुम्हें प्रोजेक्ट भी दिखा देता हूँ, मैं तो भूल ही गया। तो भाई मैंने काफ़ी सारे बिजनेस आइडियाज़ पहले ChatGPT से निकलवाए थे, अब मैंने ChatGPT को बोला कि मेरे को ये समराइज़ करके दे दो कि मेरे को AI पावर्ड रिज्यूमे रिव्यूअर बनाना है और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसने मेरे को प्रॉपर एक रोड मैप टाइप का बना के दे दिया। अब मैंने इस रोड मैप को यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट रोल बनाया, ठीक है। मैंने बोला तुम एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हो, ये तुम्हारा पूरा रोड मैप है, अब इसमें मेरे को बताओ कि अल्टीमेट टेक स्टैक का यूज़ होना चाहिए, ब्रेकडाउन करो बैक एंड फ्रंट एंड क्या यूज़ करना है, डेटाबेस कौन सा यूज़ करना है, प्रोसेस ब्रेकडाउन करो, सारी चीज़ें ब्रेकडाउन कर दो। इसने मेरे को अल्टीमेट पूरा एक टेक स्टैक बता दिया, सारे रिसोर्सेज बता दिए, सारी चीज़ें बता दी, सब कुछ बता दिया, क्या यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे होस्ट करना है, कौन सा बैक एंड पे डेटाबेस यूज़ करना है। हमने यहाँ पर रोड मैप लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया कि पूरा हमारा रिकमेंडेड रोड मैप है। तो ये सारी चीज़ें फेजेस है, उसने फेजेस में डिवाइड कर दिया। तुम देखोगे मैं सुबह से यहाँ पे चैट कर रहा हूँ, इससे बनवाए जा रहा हूँ, चीज़ें ठीक करवाए जा रहा हूँ, ये सारा हमने बनवाया आज ही आज। इसमें सुपर बेस कनेक्ट करवाया, इसके साथ मैंने क्लाउड के GCP यूज़ किया, GCP में चीज़ें ऐड करी। तुम देखोगे सुपर बेस में मैंने अपने टेबल्स वगैरह बनाए हैं, काफ़ी सारे प्रोफाइल्स, रेज्यूमे, सारी चीज़ें मैंने टेबल्स वगैरह बनाए, सारी चीज़ें ऐड करी, तो यहाँ पे तुम्हें रेज्यूमे अपलोड करके मिल जाएंगे। सब कुछ बना लिया, अब तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि क्या बना है। तो दिस इज़ आर AI रेज्यूमे। तो यहाँ पे मैं अपना रेज्यूमे अपलोड करता हूँ जल्दी से, पार्स हो गया सक्सेसफुली, एनालिसिस चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं जॉब डिस्क्रिप्शन डालूंगा, तो लिंक्डइन पे जाते हैं, सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जॉब उठाते हैं जल्दी से जाके, जॉब उठाई हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर वन अमेज़न का, चेक कर लेते हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन हम कॉपी करेंगे, हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन लिया हमने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो हमारा भाई ये रेज्यूमे एनालिसिस आ गया। तुम देखोगे यहाँ पे इसने ओवरऑल स्कोर बता दिया, टेक्निकल स्किल्स बता दिए, एक्सपीरियंस कितना, एजुकेशन, सॉफ्ट स्किल्स सारे इसके साथ कर लिए हैं, की स्ट्रेंथ्स वगैरह देख लिए हैं, एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट बता दिए हैं, मिसिंग कीवर्ड्स क्या डालने पड़ेंगे हमें, क्या हमारे पास है क्या नहीं है, सब कुछ बता दिया इसने। ATS कंप्लाइंट है क्या नहीं, एडेड है, इंप्रूवमेंट बता दी सारी, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, एक्शन आइटम्स भी हमें बता दिए, पूरा एनालाइज करके दे दिया। इसमें इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, मैं कह ही नहीं रहा कि बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ सारी चीज़ें सही हैं, इट कैन बी इम्प्रूव्ड, बट थिंक अबाउट इट, आई क्रिएटेड ऑल दिस इन अ डे, एंड मैं बीच बीच में कुछ एरर्स भी आ रहे थे, वो सारे एरर्स भी सॉल्व कर पा रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी। तो तुम खुद सोच के बताओ भाई कि अगर तुम्हें बस HTML, CSS, JavaScript आती है तो कैसे तुम हायर होगे भाई, ये तो कर ही देगा, ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ना, मतलब फिर तुम्हें करना पड़ेगा ना कुछ लाइफ में, तो सीखो ना भाई। अब भाई जैसे चीज़ें सीखो, फॉर एग्जाम्पल अब मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ यहाँ पे तुम्हें,
यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया हुआ है जिसको हम यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी को कॉल करने के लिए, ताकि वो हमें रेज्यूमे को पार्स करने के बाद जेसॉन में कन्वर्ट करने के बाद हम चैट जीपीटी को भेज रहे होते हैं, वो इसको चेक करता है, इसमें बताता है क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, क्या क्या है, तो हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। एक हमारा एजेंट होगा जो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें चेक करेगा क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ें एक रिक्रूटर की तरह उसको देखेगा, रिक्रूटर एजेंट बना सकते हैं। दूसरा हम एक ATS एनालाइजर बना सकते हैं, दूसरा एक रिव्यूअर बना सकते हैं, तीनों को यूज़ करके हम इसको और बेटर बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक्चुअली ये सारी चीज़ें खुद भी ट्राई कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, तो करो भाई, करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें। एंड ईजी वाले प्रोजेक्ट तो भाई तुम्हें बना के दे देगा भाई, तुम्हारा चैट जीपीटी 4 हो गया है, तो 4 यूज़ कर रहा हूँ, ओवन भी नहीं यूज़ कर रहा मैं, O3 ओवन यूज़ करूँगा तो भाई फाड़ देगा ये सिस्टम को। फाइनली भाई प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करो। मैंने 2 वीडियोज़ बनाई है रेज्यूमे में मिस्टेक्स क्या नहीं करनी चाहिए और तुम क्या प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, दोनों यहाँ पे आ रही होंगे। इसमें मैंने एक्जैक्टली दिखाया था कैसे तुम AI को यूज़ कर सकते हो प्रोजेक्ट्स वाली वीडियो में, जाओ देखो उस प्रोजेक्ट वाली वीडियो को, उसमें 5-6 प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी एडेड हैं, उसको भी जाके देखो एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग। आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को अब तक नहीं किया है तो एंड डू चेक आउट आल्गो प्रेप, वहाँ पे तुम्हें ये सारी चीज़ें एटलीस्ट बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं, एक ही जगह पे जाकर तुम सारी चीज़ें सीख सकते हो। एंड फिर भाई करो, बनाओ प्रोजेक्ट, डिप्लॉय करो एंड जब पोस्ट करो प्रोजेक्ट को लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी, तो मेरे को टैग कर देना, अच्छा लगेगा कि तुमने एक्चुअली मेरी बात सुनी एंड काम करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में भाई, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।